दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टेस्ट में जीत क्या मिली स्टीव स्मिथ का घमंड तो सिर चढ़कर बोलने लगा। चौथे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को खुली धमकी देते हुए इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने जो कहा है सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो कप्तान रोहित शर्मा से अपने देश की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने तीखे शब्दों में स्टीव स्मिथ को जमकर पलटवार देते हुए क्या बयान दिया है उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उसे सुनने के बाद आप भी रोहित शर्मा को दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्या कहा था स्टीव स्मिथ ने और कैसे रोहित शर्मा ने उनकी बोलती बंद कर दी, सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और स्टीव स्मिथ में से सबसे शानदार बल्लेबाज आप किसे मानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंदौर के मैदान पर जब विराट कोहली पिछली बार उतरे थे तब उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी। कुछ ऐसी ही उम्मीद उनके फैंस ने इस बार भी उनसे करी थी, लेकिन इस बार तो विराट कोहली के साथ टीम इंडिया के सितारे ने इस कदर करवट बदली की किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए यहाँ पर दहाई के आंकड़े तक पहुँच पाना भी नामुमकिन साबित हो गया। जहाँ पहली पारी में भारतीय टीम महज 109 रनों पर सिमट गई, तो दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा के 59 रनों की बदौलत भारतीय टीम मात्र 76 रनों का लक्ष्य ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को दे पाई, जिसके बाद से ही भारत की हार लगभग सुनिश्चित हो गई थी। और दोस्तों, तीसरे दिन की पहली गिरड़ के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू की। हालांकि शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कसा, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही आसानी से लक्ष्य को हासिल कर सीरीज में वापसी का शंखनाद कर दिया। अब चार मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से बराबरी पर आ गई है, जिसके बाद अहमदाबाद के मैदान पर 9 मार्च से होने वाले चौथे टेस्ट मैच का रोमांच कई गुना बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया के भरोसे को सीधा घमंड में बदल दिया और चौथे टेस्ट मैच से ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम को खुली चुनौती दे डाली। जी हाँ, स्टीव स्मिथ का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें खुशी है कि हम वो मैच जीत गए और अब हमें खुद पर भरोसा भी आ गया है कि हम अगला मुकाबला भी जीत सकते हैं। तीसरे टेस्ट मैच से पहले हमें ये पता चला कि भारतीय बल्लेबाज भी अपनी परिस्थितियों में इतने सक्षम नहीं है जितने वो दिखाई देते हैं। हम उन्हें ऑल आउट कर सकते हैं, उनकी सभी कमजोरियां सामने आ चुकी हैं जिनका हम फायदा उठाने की ओर देख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम चौथे टेस्ट मैच में भी उन्हें जमकर हराकर ये सीरीज बराबरी पर समाप्त करेंगे। ये भारतीय टीम दिखने में जितनी खतरनाक है उतनी में वो है नहीं और वो केवल दिखावा है। दोस्तों, स्टीव स्मिथ की बातें बहुतों को पसंद नहीं आई थी, जिनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद कप्तान रोहित सामने आते हैं। उन्होंने स्टीव स्मिथ को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है, पहले दो मैच हम जीते, एक मैच वो जीते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जीत से आप ये सोच लें कि आपने पूरी श्रृंखला ही जीत ली है तो ये शायद आपकी बेवकूफी हो सकती है। भारतीय टीम जैसी दिखती है वैसी ही है, वो आपकी धज्जियां उड़ा सकती है और हमने वो करके भी दिखाया है, तो हमें खुद को साबित करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम टेस्ट सीरीज जीतने की तरफ देख रहे हैं और हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे, उससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इनके बीच हुई ये जंग देखने के बाद आपको क्या लगता है, चौथे टेस्ट मैच में कौन बनेगा विजेता, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।